अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुगलाई हरियाली चिकन की रेसिपी। ये रेसिपी आपने मोस्टली पार्टीज और शादियों में टेस्ट की होगी। बहुत ही इजी होता है इसे बनाना और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है ये। तो चलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताना स्टार्ट करती हूँ आपको। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 18 से 20 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली है, 1 इंच अदरक का पीस ले लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा ले लिया है, साथ ही में मैंने 1 मुट्ठी पुदीना के पत्ते ले लिए हैं, 1 मुट्ठी धनिया ले लिया है और 5 से 6 मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज ले लिए हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी अभी। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस मैंने इसलिए ऐड किया है इसमें क्योंकि जो हमारी पेस्ट का जो हरापन होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होएगा, हमारी जो पेस्ट है वो हरा का हरा ही रहेगा। आप भी लेमन जूस को ऐड करके इस तरीके की पेस्ट बना लें। अब मैंने यहाँ पर एक प्याज ली है जिसको कट करके मैंने इस तरीके से डीप फ्राई कर लिया है, बरिस्ता बना लिया है और इस बरिस्ते को भी मैं पीस लूँगी, रफली ग्राइंड करना है इसे। और अब मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं पहले बना चुकी हूँ जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया है, 4 टेबल स्पून क्रीम लिया है मैंने, यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, आप चाहें तो दूध से निकाली हुई मलाई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह। और अब मैं ले लूँगी अपने मसाले जिसमें मैंने 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है जिसे मैंने इस तरीके से हाथों से मसल लिया था। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसलिए आप भी कसूरी मेथी यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और खड़े मसालों में मैंने लिया है यहाँ पे 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची, 3 हरी इलायची लिए मैंने और 2 तेज़पत्ते लिए हैं। तो चलिए मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 किलो चिकन लिया था, चिकन को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके अब मैं इसके अंदर मैरिनेशन के इंग्रीडियंट्स डालूंगी। अब इसमें मैं सबसे पहले डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपना ग्रीन पेस्ट जो हमने पुदीना धनिया सबको ग्राइंड करके बनाया था, जिसमें लेमन जूस भी डाला था हमने। देखिए हरा का हरा ही है हमारा पेस्ट। वो डालने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी दही और जो मसाले लिए थे हमने वो भी अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सभी। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए अब हमने अपने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। अब इसे मैं रख दूंगी मैरिनेशन के लिए 3 से 4 घंटों के लिए। अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो आप 1/2 घंटा भी इसे रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका चिकन मैरिनेट होएगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट होगा उसका, इस बात का आप ध्यान रखें। गैस पर रख दी है मैंने अपनी कढ़ाई और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 सर्विंग स्पून जितना वेजिटेबल ऑयल। ऑयल ऐड कर देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच देसी घी का। देसी घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप भी इस तरीके से इसमें ऐड कर दीजिए। ऑयल और घी हमारा हीट हो चुका है, अब इसमें मैं अपने खड़े मसाले डाल दूंगी जो मैंने लिए थे। मसाले हमारे क्रैकल हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था उसको धीरे धीरे ऐड कर दूंगी इस तरीके से और उसे इस तरीके से मैं फ्राई कर लूंगी। जब तक ऑयल सेपरेट ना हो और सरफेस पर ऑयल ना आ जाए तभी तक हमें इसे इसी तरीके से फ्राई करते रहना है। ये देखिए सरफेस पे ऑयल आ चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम प्रिफर की थी, आप चाहें तो घर में निकाली हुई जो दूध के ऊपर से मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब हम इसमें एक मिक्स दे देंगे और हमारे चिकन को गलने देंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये इसी तरीके की थिक कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी रहती है। जो मैंने बरिस्ता बनाया था 1 प्याज का उसको भी मैंने इस तरीके से रफली ग्राइंड कर लिया था, उसे भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। इसे फिर से एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। बहुत ही बढ़िया बनता है ये मुगलाई हरियाली चिकन की रेसिपी, इसे आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी बनी है ये रेसिपी। और अब इसे मैं कवर करके रख दूंगी ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 8 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रखा था स्लो फ्लेम पर। ये देखिए चिकन हमारा गल गया है, इस तरीके से एक बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। मैंने इसमें लिक्विड ग्रीन कलर ऐड किया था, बिल्कुल ऑप्शनल है ये, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कीजिए वरना कोई बात नहीं। मैंने 4 to 5 ड्रॉप्स इसमें ऐड किया था लिक्विड ग्रीन कलर का। तो बस रेडी है हमारा मुगलाई हरियाली चिकन जो शादियों में और पार्टीज़ में बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है ये। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आप
आप मेरे चैनल बिस्मिल्ला किचन फूड्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को पहुँचे। चलिए हमारी मुगलाई हरियाली चिकन को सर्व कर लेते हैं। बहुत इजी है ये रेसिपी, चुटकियों में बन जाती है, शादीज़ और पार्टीज़ में आपने इसे खाया ही होगा। अब इसे आप घर में भी बनाइए और खाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगी ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल बिस्मिल्ला किचन फूड्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी बहुत सी ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो बहुत ही हेल्दी होती है आप लोगों के लिए, तो मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस और हेल्दी रेसिपीज़ वाले वीडियोस लेकर आऊँ। बहुत ही इजीली बन जाती है ये रेसिपी, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।